नमस्कार, लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्णा त्यागी। मणिपुर हिंसा मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से रिपोर्ट देखने को कहा और मामले में सहायता मांगी है। मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए 3 पूर्व न्यायाधीशों की कमेटी का गठन किया गया था। पूर्ण महिला कमेटी की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल को दी गई थी। कमेटी में अन्य सदस्यों के तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीशों जस्टिस शालिनी फंसालकर और दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस आशा मेनन को शामिल किया गया था। 2 कुकी महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो वायरल होने की जांच भी इसमें शामिल है। 4 मई को हुई इस भयावह घटना का वीडियो बीती रात 19 जुलाई को वायरल हुआ था, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। संसद के मॉनसून सत्र में भी इस वीडियो को लेकर हंगामा हुआ था।